वाराणसी नगर निगम कार्यकारिणी बैठक के 6 सदस्य चुनाव में निर्विरोध चुने गए। इनमें 3 सदस्य भाजपा, 2 सदस्य कांग्रेस और 1 सदस्य समाजवादी पार्टी से निर्वाचित हुए। कार्यकारिणी के 6 सदस्यों का निर्वाचन होना था, उस बिहाफ पे आज की बैठक हुई थी जिसमें सभी 6 सदस्यों को निर्विरोध चुना गया है। इसमें से 2 पार्षद कांग्रेस के, 1 सपा के और 3 भारतीय जनता पार्टी के चुने गए। बाहर तो हंगामे होते रहते लेकिन सदन में जो स्थिति है वो हम देखेंगे। सदन में शांतिपूर्वक सभी लोगों ने इसका समर्थन किया और निर्विरोध चुनाव हुआ आपके सामने ही। पूर्व मेयर श्याम मोहन अग्रवाल के निधन पर चुनाव संपन्न होने के पश्चात सदन में शोक प्रस्ताव रखा गया। इस चुनाव में भाजपा के राजेश किशरी खुजवा से, भाजपा के नरसिंह बाबा दशाश्वमेध से और भाजपा के रविंद्र सिंह नगवा से पार्षद चुने गए। आज हमारे दल के सारे लोग, दल के सारे पार्षद, वरिष्ठ नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने पे मुझे कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है नगर निगम में। उसी पे आप खुशी जाहिर है, एकदम जनता का सहयोग करते हैं और करते रहेंगे। जनता के जिस तरीके से सहयोग पड़ेगा उसका पूरा काम होगा। हमारे वार्ड में नहीं है, हमारे वार्ड की अगर समस्या रहेगी तो मैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ, अपने नेताओं के साथ जाके नगर आयुक्त और महापौर, जिससे भी जरूरत पड़ेगा, ऊंचे अधिकारियों से, डीएम से, कमिश्नर से, जिससे भी बात करनी होगी बात करेंगे और समस्या का हल करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के मोहम्मद वकास अंसारी जलालीपुरा से, कांग्रेस के मौलवी रियाजुद्दीन अंसारी और सपा से भैयालाल यादव को बदमेश्वर वार्ड से पार्षद चुना गया। आज नगर निगम सदन की बैठक कार्यकारिणी के 6 सदस्यों के चुनाव को लेकर था जिसमें 6 सदस्य निर्वाचित निर्विरोध घोषित हुए। कांग्रेस से मोहम्मद वकास अंसारी, मौलवी रियाजुद्दीन अंसारी, 2 लोग कांग्रेस से निर्वाचित हुए। समाजवादी पार्टी से भैयालाल यादव जी निर्वाचित हुए। ये सदन में नियमतः कार्यकारिणी के चुनाव के दिन कोई भी शोक प्रस्ताव नहीं आ सकता, अन्य कोई भी प्रस्ताव नहीं आ सकता। वो महापौर के स्वविवेक के ऊपर है कि हमारे पूर्व मेयर श्याम मोहन अग्रवाल जी का निधन हो गया था जिसका कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न होने के बाद उन्होंने सदन में शोक प्रस्ताव। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।